बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे जब से ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए हैं तब से बॉलीवुड से लेके राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने गुरुवार को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान दुबई और मालदीव में अपने परिवार के साथ क्या कर रहे थे। उन्होंने एनसीबी प्रमुख को जेल भेजने की भी धमकी दे डाली है। इस पर वानखेड़े ने पलटवार किया और कहा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, मैं एक छोटा सरकारी अधिकारी हूं, वे बड़े मंत्री हैं, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वे मुझे जेल डालना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मलिक ने वानखेड़े को कठपुतली बताते हुए कहा कि वह एक साल के भीतर अपनी नौकरी खो देंगे। पुणे जिले की मावल तहसील के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा, उनके पास वानखेड़े कठपुतली है, वे लोगों के खिलाफ फर्जी मामले उठाते हैं। मैं समीर वानखेड़े को इस मंच से चुनौती देता हूं कि एक साल में उनकी नौकरी चली जाएगी, वे सलाखों के पीछे होंगे। इस देश के लोग आपको सलाखों के पीछे देख बिना चुप नहीं रहेंगे। वानखेड़े फर्जी गतिविधियों में लिप्त हैं और हमारे पास इसे साबित करने के लिए सबूत हैं। एक बार वे सबूत सामने आने के बाद वे नौकरी जारी नहीं रख पाएंगे। नवाब मलिक के बयान पर पलटवार करते हुए वानखेड़े ने कहा, वो कोई भी समय बता रहे हो, मैं कभी दुबई नहीं गया, यह जांचने के लिए तंत्र है कि कोई व्यक्ति कहाँ है, यह पूरी तरीके से झूठ है, मैं अपनी बहन के साथ कभी दुबई नहीं गया, यह झूठा और गंभीर आरोप है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। नवाब मलिक द्वारा शेयर किए गए फोटो पर वानखेड़े ने कहा, यह मुंबई की तस्वीर है, मैं मुंबई में था, सच्चाई को कोई चीज आंच नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो आरोप इस वक्त समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं वो कहां तक सत्य हो सकते हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। साथ इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।